इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मिल रही है गुरुग्राम से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सेक्टर 109 में एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दो मजदूरों की जान चली गई है। जानकारी ये मिल रही है कि 10 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। अपार्टमेंट की छत गिरने के बाद यह हादसा हुआ है। हालांकि ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर अभी नहीं मिल पाई है। जो समझ में आ रहा है, जो चश्मदीद बता रहे हैं, वो ये कि एक के बाद एक कई छत लगातार गिरती चली गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, और क्या जानकारी है? कहा जा रहा है कि कई लोग जो और घायल हैं उनकी स्थिति बहुत खराब है। देखिए शशि, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि गुरुग्राम क्या जो ये सेक्टर 109 की चिंतल्स हाई सोसाइटी है, उसमें यह बड़ा हादसा हुआ है। लगातार एक के बाद एक एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो टावर आप देख रहे होंगे, ये वही वो टावर है जिसमें लगातार एक छठी मंजिल पर जो ड्राइंग रूम था उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था। अचानक से रिनोवेशन की जो छत थी वो गिरी, और वो इस तरीके से गिरी कि वो छठी मंजिल से पांचवी, चौथी, तीसरी और दूसरी और पहली मंजिल को पूरी तरह से जो है वो धस्ती चली गई। यानी कि पूरा हिस्सा जो था, लेंटर एक के बाद एक लेंटर जो है वो उसके अंदर फाड़ते हुए जो नीचे तरफ का हिस्सा था वो चला गया। कौन कौन इसमें रह रहा था या सारे फ्लोर्स खाली थे? क्योंकि कुछ जानकारी मिली है कि ज्यादातर फ्लोर्स पर लोग मौजूद नहीं थे। देखिए एनडीआरएफ की जो चीफ है जो यहाँ पहुंचे थे, जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग्स के अंदर अभी कई फ्लोरें ऐसी थी जिसमें लोग नहीं रह रहे थे। जिनमें जो लोग रह रहे थे, मजदूर थे, उनमें भी कई सारे लोग जो है वो घायल हुए हैं। एक की अभी कैजुअल्टी की बात जो है वो पूरी तरह से पुष्टि जो है वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से की गई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा हालांकि प्रशासनिक तौर पर कोई भी अधिकारी जो है वो इस पर सामने आने से बचता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ की जो सोसाइटी के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर के कई बार ऑडिट भी हुआ। ये हादसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 8 महीने पहले इस तमाम अपडेट्स के लिए हम आपका रुख करेंगे। सुशांत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।